इस वीडियो में हम आयु की परिभाषा एवं लक्षण, आयु के घटक तत्व, आयुर्वेद की परिभाषा एवं लक्षण, सिद्धांत की परिभाषा एवं भेद, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का परिचय एवं उनका प्रयोजन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि आयु क्या है। आयु की परिभाषा के बारे में क्या बोला गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो, जब तक शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का जब तक संयोग है उसे आयु कहा जाता है। ठीक है, धारी जीवितम नित्यग स च अनुबंध स पर्याय आयु उच्यते, तथा आयु के पर्याय क्या क्या है, धारी है, जीवितम है, नित्यग है, अनुबंध है, ये आयु के पर्याय उच्यते माने कहे जाते हैं। यह चरक सूत्र 1/42 में आयु की परिभाषा एवं पर्याय बताए हैं। फिर बोला तत्र आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद को शाखा विद्या सूत्र ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम इति, उस आयुर्वेद को शाखा भी कहा जाता है, विद्या भी बोला जाता है, सूत्र भी बोला जाता है, ज्ञानम भी बोला जाता है, शास्त्रम भी बोला जाता है, लक्षणम बोला जाता है, तंत्रम बोला जाता है, ये आयुर्वेद के पर्याय है। इति, ये क्या है, आयुर्वेद के पर्याय है। न अर्थांतरम मतलब न कि किसी दूसरे विषय के ये पर्याय है, ये बोला है चरक सूत्र 30-31 में। फिर बोला तत्र आयु स चिलम चेतन अनुवृत्ति ही, तत्र आयु स चेतन अनुवृत्ति ही, मतलब चेतन का मतलब होता है आत्मा। आत्मा जब तक अनुवृत्ति माने जब तक शरीर में रहती है, अनुवृत्ति माने शरीर का अनुसरण करती है, तब तक आयु होती है। तत्र आयु स चेतन अनुवृत्ति ही, ये चरक 30/22 में बताया कि जब तक चेतना शरीर का अनुसरण करती है तब तक आयु होती है, चेतना के शरीर से निकल जाने के बाद आयु समाप्त हो जाती है। तो या यूं कहें कि जब तक शरीर के अंदर चेतना रहती है तब तक समय तक उसे आयु कहते हैं, जब तक चेतना अनुवृत्त रहती है शरीर में, जब तक चेतना अनुवृत्त रहती है तब तक, या शरीर का जब तक चेतना अनुसरण करती है उस समय तक आयु कहा जाता है। आयु वेद यत इति, माने आयु माने आयु, वेद माने ज्ञान, यत इति माने जिसके द्वारा, आयु वेद यत इति आयुर्वेद, चरक सूत्र 30/22, मतलब जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। एक तो ये आयुर्वेद की परिभाषा हो गई, आयुर्वेद यत इति आयुर्वेद है माने आयु का ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, चरक सूत्र 30/22 में, मतलब यह आयुर्वेद की परिभाषा है। सुश्रुत सूत्र 1/23 में बताया है कि आयु अस्मिन् विद्यते, माने जिस शास्त्र में आयु विद्यमान हो या आयु के बारे में बताया गया हो, अनेन वा आयु विद इति आयुर्वेद, और उस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान किया जाए उसे आयुर्वेद कहते हैं, या वह शास्त्र आयु का ज्ञान कराता हो या जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। फिर बोला सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत बताया चरक विमान 8/37 में कि सिद्धांतों नाम माने सिद्धांत उसे कहेंगे, नाम की संज्ञा, सिद्धांत नाम की संज्ञा उसे देंगे जहां पे स यह परिच्छके बहुविध परिच्छय, माने जहां पे परीक्षक जो है बहुत बहुविध माने बहुत प्रकार से उसकी
परीक्षा करे। परीक्षक जो होता है बहुत प्रकार से उसकी परीक्षा करे। तथा हेतुभिश्च साधित्वा, तथा हेतुओं के द्वारा सिद्ध करके, तथा हेतुभिश्च साधित्वा माने हेतुओं के द्वारा, साधित्वा माने सिद्ध करके, अस्थाप्यते अस्थाप्यते निर्णय, जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत कहा जाता है। अनेक प्रकार से परीक्षा मतलब इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करने के बाद तथा हेतुओं द्वारा सिद्ध करके, हेतुओं से सिद्ध करके जो निर्णय स्थापित किया जाता है उसे सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् सतस्मिन् सर्वे अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम्। मतलब तस्मिन् स्वतस्मिन् माने हर जगह, तस्मिन् स्वतस्मिन् माने उसमें, उसमें सर्व अस्मिन् माने इसमें, जो सब जगह उसमें भी हो और इसमें भी हो। तस्मिन् स्वतस्मिन् सर्व अस्मिन् स्वतंत्रे, जो किसी शास्त्र में, इस शास्त्र में जो बात हो वही बात उसमें भी कहा गया हो। तस्मिन् माने उसमें, तस्मिन् स्वतस्मिन् सर्वे अस्मिन् माने जो उसमें बताया गया हो वही बात इस तंत्र में भी बताया गया हो। तत् तत् प्रसिद्धम्, और वह वहां पर भी प्रसिद्ध हो और उस शास्त्र में भी प्रसिद्ध हो। यथा संति, जैसे है निदानानि की निदान, संति व्याध है, व्याधि है, संति सिद्ध उपाय है, जैसे चिकित्सा के उपाय है। साध्यानामिति मतलब साध्य व्याधियों के चिकित्सा के उपाय जो बताए गए हैं। संति माने है, यथा संति निदानानि जैसे निदान है, संति व्याध है जैसे व्याधि है, संति सिद्ध उपाय साध्यानामिति मतलब साध्य व्याधियों के लिए चिकित्सा के जो उपाय बताए गए हैं, संति माने हैं, ये सभी शास्त्रों में एक समान होते हैं, इस नाते इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ये चरक विमान 8/37 वाले श्लोक में यह भी बताया, सर्वतंत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में समान रूप से प्रसिद्ध हो या सभी शास्त्र उसको एक्सेप्ट करते हो। जैसे निदान को सभी शास्त्र एक्सेप्ट करते हैं, व्याधियां हैं उसको सभी शास्त्र एक्सेप्ट करते हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है ये सभी शास्त्र मानते हैं, तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ। परितंत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत होता है परितंत्र सिद्धांतों नाम तस्मिन् सतस्मिन् न एक एक अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम्। मतलब उस यहां क्या बोला था सर्वतंत्र में, ध्यान दीजिए सर्वतंत्र में, यहां बोला तस्मिन् सतस्मिन् सर्वे अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम् माने जो उस शास्त्र में है वही वहां दूसरे शास्त्र में भी वही चीज है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है परितंत्र में तस्मिन् सतस्मिन् न एक एक अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम् माने जो यहां है वो वहां पे नहीं है। तस्मिन् तस्मिन् जो उसमें है न एक एक मतलब जो वहां पे है वो इस तंत्र में नहीं है। अस्मिन् न एक 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 समान न हो माने एक समान न हो, इसमें बोला था देखिए ध्यान से तस्मिन् सतस्मिन् सर्वे अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम् यथा।
मतलब उसमें उस तंत्र में जो सर्वे अस्मिन् इस तंत्र में भी वही चीज हो, तत् तत् प्रसिद्धम्, और वो वहां भी प्रसिद्ध हो और यहाँ भी प्रसिद्ध हो, तो उसको सर्वतंत्र कहते हैं। और यहाँ बोला तस्मिन् स तस्मिन् न एक एक, एक समान न हो, एक समान न हो, अस्मिन् स तंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम्, उसमें जो हो और जो इसमें हो, जो उसमें हो और जो इसमें हो, लेकिन एक समान न हो, उसको बोलते हैं परितंत्र सिद्धांत। परितंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् स तस्मिन् न एक एक, माने एक समान न हो। उस तंत्र में कुछ बात कही गई हो, उस तंत्र में, उस शास्त्र में कुछ बात कही गई हो, तो इस शास्त्र में कुछ बात कही गई हो। न एक एक अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम्। यहां पर बोला तस्मिन् स्वतस्मिन् सर्वे अस्मिन् स्वतंत्रे तत् तत् प्रसिद्धम्, माने जो वहां पे हो यही दूसरे शास्त्र में हो, वही उस शास्त्र में भी हो। और यहां पे बोला माने जो उस शास्त्र में हो और जो उस शास्त्र में हो और इस शास्त्र में वो न हो, माने एक समान न हो, माने अगर उसमें हो तो इसमें न हो, अगर इसमें हो तो उसमें न हो, माने एक समान न हो। ऐसे जैसे तत् तत् प्रसिद्धम्, और वो जो वहां पे प्रसिद्ध हो और ये वह यहाँ पे न प्रसिद्ध हो, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बात प्रसिद्ध हो, मतलब वो उस शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हो और ये इस शास्त्र के लिए, अलग तंत्र के लिए अलग बात प्रसिद्ध हो। यथा जैसे अन्यत्र अष्टौरस, माने कुछ जगह अन्यत्र माने दूसरी जगह 8 रस माने गए हैं, षड यत्र यहाँ पे 6 रस माने गए हैं, पंचेन्द्रियाण यत्र यहाँ 5 इंद्रियां मानी गई हैं, षड इंद्रियाण अन्यत्र तंत्र दूसरे तंत्र में 6 इंद्रियां मानी गई हैं, वातादिकृता सर्वे विकारा यथा सब विकार, वातादिकृता कृता सर्वे विकारा यथा वातादि दोषों से सभी विकार होते हैं, यहाँ पे यथा माने इस शास्त्र में, अन्यत्र अत्र वातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धा, मैंने अन्यत्र शास्त्र में बताया कि वातादिकृता तो होंगे ही होंगे, साथ साथ भूतकृताश्च भी होंगे, माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन माने सूक्ष्म भूतों से भी होंगे। अब देखिए बात यहाँ दूसरी है, यहाँ बात दूसरी है, एक बात सेम है कि यहाँ दोनों लोग वात आदि माने हैं लेकिन भूत से यहाँ मान लिया, तो जब डिफरेंस हो जाता है तो परितंत्र हो जाता है। परितंत्र सिद्धांत में यह होता है कि भिन्न भिन्न शास्त्रों में अपने अपने स्वतंत्र सिद्धांत परितंत्र सिद्धांत कहे जाते हैं। जैसे 6 रस यहां पर, 8 रस अन्यंत्र, 5 इंद्रियां यहां पर, 6 इंद्रियां वहां पर, उस शास्त्र में वहां पर मन भी इंक्लूड कर लिया है। इस संहिता में 3 दोष अन्यत्र 4 दोष, वात पित्त कफ और भूतज भी मान लिया जो जीवाणुजन्य भी होता है। तो इस तरह जो है ये बोल, इस तरह जब डिसिमिलर होता है, हर हर शास्त्रों में अलग अलग होता है सिद्धांत, तो उसको बोलते हैं परितंत्र सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत वो होता है जैसे जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो, जिस विषय पर बात चल रहा हो, उस प्रकरण में उसी से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। मतलब जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसी से संबंधित दूसरा विषय आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है, माने दूसरा संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का, माने वेरीफाइड, वेरीफाइड माने सिद्ध माने वेरीफाई माने वेरीफाइड अधिकरण का आ जाना। जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसका तो उस प्रकरण में उसी से संबंधित वेरीफाइड वेरीफाइड अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे इसका श्लोक देखते हैं, अधिकरण सिद्धांतो नाम शयस्य यस्मिन अधि
करणे प्रस्तुयमाने प्रस्तुयमाने सिद्ध अन्य 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 अपि अधिकरणानि अधिकरणानि भवन्ति। मतलब अधिकरण सिद्धांत नाम की संज्ञा उसे दी जाएगी सयस्य जिसका यस्मिन जिसमें अधिकरण अधिकरण का प्रस्तुत प्रस्तुयमाने जिस अधिकरण को प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत जिस अधिकरण पर चर्चा चल रही है जिस अधिकरण पर प्रस्तुत प्रस्तुयमाने जो अधिकरण प्रस्तुत किया गया है वहां पे क्या कर रहा है कि सिद्ध अन्य 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 मतलब सिद्ध अन्य 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 अपि भी अधिकरण करणानि भवन्ति माने सिद्ध माने वेरीफाइड अन्य 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 वेरीफाइड दूसरे 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 अपि माने भी अधिकरण का आ जाना अधिकरणानि भवन्ति माने अधिकरण का आ जाना अधिकरण 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 का आ जाना भवन्ति वहां उपस्थित हो जाना भवन्ति माने वहां पर उपस्थित हो जाना अधिकरण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यथा जैसे न मुक्त कर्मानुबंधिकम कुरुते मतलब मुक्त जिसको कर्मानुबंधी नहीं है यथा न मुक्त कर्मानुबंधिकम कुरुते मतलब क्या हुआ जो मुक्त पुरुष लोग हैं जो कर्म बंधन से मुक्त पुरुष लोग हैं वो कभी न कुरते माने वो कभी नहीं करते कुछ भी नहीं करते जो मुक्त कर्म से जिनको सुख दुख की कोई इच्छा नहीं है वो कोई मतलब काम करते नहीं है मतलब जैसे उनको किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती है वही बात बोला ना मुक्त कर्म अनुबंधिक जो कर्म अनुबंधन से मुक्त हैं न कुरते वो कुछ करते ही नहीं माने उनको क्या करने की जरूरत निष्प्रियत्वात निष्प्रियत्वात माने इच्छा रहित होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं है भैया कि हमें यह चाहिए वो सिर्फ प्रभु के ध्यान में मस्त हैं जान रहे हैं जगत मिथ्या है। तो इति प्रस्तुते इस प्रस्तुतीकरण से यह सिद्ध होता है सिद्धा कि कर्म फल कि कर्म का फल होता है मोक्ष होता है पुरुष प्रत्याभाव भवन्ति माने पुरुष का पुनर्जन्म भी होता है इस भाव से स्पष्ट होता है। जैसे मुक्त पुरुष शुभ शुभ फल देने वाले कार्यों को नहीं करते हैं उनको क्या मतलब वो मुक्त है तो वो नहीं करेंगे न कुरते माने वो नहीं करेंगे क्योंकि वो निष्काम होते हैं उनको उसकी कोई जरूरत नहीं है उन्हें लौकिक पारलौकिक फलों की आकांक्षा ही नहीं रहती अतः ये निष्प्रिय होते हैं माने इच्छा रहित होते हैं। इस प्रस्ताव से ये सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है मोक्ष होता है पुरुष है मरने के बाद उसका जन्म भी होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे ऐसा उपसंहार जिसका प्रभाव अन्य पर भी पड़े जब आप प्रवचन में जाते हैं तो ऐसा वो बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत लेके कि आपको लगता है कि सब कुछ अब छोड़ के जो है कुछ नहीं है दुनिया में केवल भगवान के छोड़ के तो इस तरह का ऐसा उपसंहार जिसका प्रभाव अन्य पर भी पड़े माने जो श्रोता है उन पर भी पड़े वो अधिकरण सिद्धांत है। अभ्युपगम सिद्धांत माने स्वीकार कर लेना मान लेना अभ्युपगम सिद्धांतो नाम से स्वयं अर्थम असिद्धम अपरिचितम अनुपदिष्टम अहेतुकम वा वाद काले अभ्युप गच्छन्ति भिषजः मतलब असिद्ध माने अनवेरिफाइड अपरिचित माने विदाउट इन्वेस्टिगेटेड अन उपदिष्ट माने जिसका उपदेश कहीं किया गया न किया गया हो
अहेतुकम, जो हेतु द्वारा जो है सिद्ध न हो, ऐसे विषय को स्वयं अर्थम, ऐसे विषय को स्वयं अभ्युप अभ्युप गच्छन्ति भिषज, माने भिषज लोग इसको शास्त्र वाद काले माने शास्त्रार्थ के समय स्वीकार कर लेते हैं, मतलब उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। अभ्युपगम गच्छन्ति भिषज, उसको भिषज लोग अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जिस असिद्ध माने अनवेरिफाइड अनवेरिफाइड सब्जेक्ट, विदाउट इन्वेस्टिगेटेड सब्जेक्ट, जिसका उपदेश न किया गया, विदाउट मतलब कहीं जिसका उपदेश उस सब्जेक्ट का कहीं उपदेश न किया गया हो, अहेतुक जो हेतुओं द्वारा सिद्ध न किया गया हो, ऐसे सब्जेक्ट को वैद्य लोग जब शास्त्रार्थ करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं दो वैद्य आपस में, तो कुछ डिस्कशन करते समय ऐसे सब्जेक्ट को जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। माने हाइपोथेटिकल चीज को, जब कोई इसी हाइपोथेटिकल चीज को स्वीकार कर लिया जाता है जिसका कहीं मतलब असिद्ध हो, अनवेरिफाइड हो, विदाउट इन्वेस्टिगेटेड हो, हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट जब स्वीकार कर लिया जाता है वैद्य द्वारा, जब किसी हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट को वैद्य द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। कब और इस ये शास्त्रार्थ के समय ही इसको स्वीकार करते हैं वैद्य लोग, जब दो वैद्य लोग आपस में शास्त्रार्थ करते हैं तो किसी हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट को वैद्य द्वारा शास्त्रार्थ करते समय स्वीकार कर लेना, जो कि अनवेरिफाइड हो, विदाउट इन्वेस्टिगेटेड हो, जिसका उपदेश कहीं न दिया गया हो, जो हेतुओं द्वारा सिद्ध न हो, उस चीज को वैद्य लोग शास्त्रार्थ करते समय स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे यथा द्रव्यम प्रधानम इति कृत्वा वच्याम, मतलब कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, गुड़ा प्रधानम इति कृत्वा वच्याम, कभी गुड़ को प्रधान मानकर कहेंगे, वीर्य प्रधानम इति कृत्वावच्छ्याम, कभी वीर्य को प्रधान मानकर कहेंगे, इति एवम आदि इति चतुर्विध सिद्धांता, इस प्रकार ये चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं। तो क्या हुआ, जिस असिद्ध अपरिचित अनुपदिष्ट, जिसका उपदेश न दिया गया, जो हेतुओं द्वारा सिद्ध न हो, ऐसे विषय हाइपोथेटिकल विषय को वैद्य लोग डिस्कशन के समय, वाद विवाद के समय जो स्वीकार कर लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। कभी एग्जाम्पल के लिए, कभी द्रव्य को प्रधान मानकर विषय को कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर विषय को कहेंगे, कभी वीर्य को प्रधान मानकर विषय को वर्णन करेंगे, कभी वीर को प्रधान मानकर विषय का वर्णन करेंगे। अभ्युपगम का अर्थ होता है स्वीकार करना होता है, जब तक शास्त्रार्थ के द्वारा वादी प्रतिवादी का सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता तब तक उनके सिद्धांतों को मानना अभ्युपगम सिद्धांत है। मतलब जब तक डिस्कशन प्रोसेस चल रहा है वादी और प्रतिवादी के सिद्धांतों में, जब तक कोई एक हार नहीं जाता है तब तक उनके सिद्धांतों को मानना अभ्युपगम कहलाता है, तब तक उन सिद्धांतों को मानना अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। अभ्युपगम सिद्धांत का उपयोग अर्थ की विशेष परीक्षा के लिए तो होता ही होता है, इसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रदर्शन करने के लिए भी एक वैद्य दूसरे वैद्य के सामने करता है।